इस धुंध की दरिया से है पार तुझे जाना, क्या सोच रहे हो ए बंदे, किस्मत पर मत जाना। तुम ही हो तुम नहीं कोई, तुम्हें इतिहास रचना है, तुम्हें निज बाजुओं के जोर से सागर को मथना है। मिलेंगे रत्नों के अंबार, सहेजो शौक से लेकिन करो तुम कुछ नया ऐसा जिसे इतिहास बनना है। मित्रों, पिछले वीडियो में लगातार चर्चा आ रही थी कि अब थोड़ा प्रॉफिट लॉस हो जाए रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज मैंने सोचा कि प्रॉफिट लॉस ऐसा क्यों ना किया जाए कि एक कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस के फेज का शुरुआत कर दिया जाए। एक ही वीडियो एक लंबा फेज चलाते हैं जिसमें संपूर्ण प्रॉफिट एंड लॉस को समेटने का प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, विशेष कहीं कुछ भी प्रॉफिट लॉस में नहीं मेंटेन करना है, बस इतना पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में कि लाभ कब होगा, जब वस्तु सस्ता खरीद के अब महंगा बेच रहा होगा तो लाभ होगा, और घाटा कब होगा, जब वस्तु महंगा खरीदेगा और उसको सस्ता में बेच रहा होगा तो ऐसे कंडीशन में लॉस होगा, हानि होगी। बस इतने को मेंटेन करते चले जाइए और बस इतना पर ही प्रॉफिट लॉस की सारी कहानी है, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने आना चाहिए। शुरुआत कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले अगर सपोज कह रहा हो 20%, 20% प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कोई भी वस्तु का सीपी कॉस्ट प्राइस ऑलवेज कहलाएगा 100%। अब 20% प्रॉफिट लेके बेच रहा है, 20% लाभ लेके बेच रहा है, इसका मतलब है 20% ज्यादा में बेच रहा है। तो 20% प्रॉफिट पर बेचा का मतलब हुआ 120%। लेकिन अगर कह दिया यही 20% लॉस, 20% लॉस का मतलब 20% घाटा। अब 20% घाटा पर वस्तु बेचेगा तो 80%। यहाँ पर बस इतना ही फेज में मेंटेन करके रखना है कि 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब ज्यादा, तो 100% का वस्तु है, 20% ज्यादा मतलब 120%। 20% लॉस का मतलब 100% का वस्तु और उससे 20 कम मतलब 80% में वस्तु बेचेगा। बस इतना मेंटेन करके रखिए, और अब इतने ही कहानी के राउंड प्रयास ये होगा कि पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस हर कैटेगरी को समेटते आगे बढ़ते चले जाएं, बारी बारी से अलग अलग कैटेगरी वाइज फेज को उठाते चलते हैं, और अरेंज कैसे करते हैं करते चले जाइए, कहीं किसी फॉर्मूला किसी ट्रिक को रटने की नौबत नहीं आएगी, सजाने आना चाहिए, बस इतना ही काफी है। तो बारी बारी से बेसिक फेज से ही शुरुआत करते हैं ताकि अगले हर पार्ट को एक कैटेगरी वाइज पहले समेट लेंगे तो उसको समेटने में समझने में थोड़ी सी सुविधा हो। सपोज जैसे कह दिया कोई वस्तु है 10% हानि पर बेचा, अब कह रहा है अगर 20% लाभ पर बेचता तो 600 रुपया प्राप्त होता। बस यहां तक, और अब उसके बाद आपसे पूछना शुरू कर दिया खरीद बतलाइए, या शुरू का बिक्री बतलाइए, बिक्री मूल्य क्या है, सेल प्राइस क्या है, खरीद मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या है। बस इतना कहिए कि पहली बार क्या कहा है, 10% हानि पर बेचा,
100% का वस्तु और 10% हानि पर बेचा, मतलब पहली बार कह रहा है 90% में बेचा, अगली बार कह रहा है अगर वस्तु 20% लाभ पर बेचा होता तो 20% लाभ पर मतलब बेचा होता 120% में, और तब उसको प्राप्त होता 600। मतलब क्वेश्चन ये कहा कि 120% में अगर बेचता तब उसको 600 प्राप्त होता। तो 120% का वैल्यू आपको इसने दे दिया कितना है तो 600। 1% निकालते तो 120 से भाग देते कितनी बार, 5 बार। अब जो मर्जी हो सवाल पूछा जा सकता है। अगर वस्तु का उसने खरीद पूछ दिया कि कितना में उसने वस्तु खरीदा, तो अगर उसने खरीद पूछा तो खरीद मतलब कितना, 100%, तो इसका मतलब 100% निकालना है। अगर सीपी पूछ दिया का मतलब पूछ दिया 100%, तो 100% कितना होगा तो 1% 5, तो 100% 500। कह दिया कि पहली बार उसने बेचा तो कितने में बेचा, तो ये पता है पहली बार कितना में बेचा तो 10% घाटा पर, 10% घाटा पर मतलब 90%। अब 1% 5 है तो 90%, तो 90 × 5 450। हो सकता है यही पूछ देता उसको हानि कितना हुआ, तो हानि हुआ कितना तो 10%। अब 1% 5 तो 10% बराबर कितना तो 50। यही है बेसिक फेज। बेसिक में मोर डिटेल अभी चर्चा नहीं करेंगे, लास्ट फेज में आते आते तब बेसिक की तरफ वापस चलेंगे। पहले प्रॉफिट एंड लॉस में कैटेगरी वाइज एक एक कैटेगरी को उठाते चलते हैं और कैटेगरी वाइज फेज को आगे बढ़ाते चलते हैं, क्योंकि रेलवे का एग्जाम करीब है, जहां से सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही होती है कि नहीं यहां से एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछने की पॉसिबिलिटी है। प्रयास ये होगा कि वहां के फेज को निश्चित रूप से मोर डिटेल इत्मीनान से समेटते बढ़ते चले। तो शुरुआत करते हैं अब प्रॉफिट एंड लॉस में एक एक कैटेगरी को बारी बारी से लेके बढ़ते चलते हैं। उसमें से सबसे पहला पार्ट शुरुआत कर रहे हैं इक्वालिटी, समानता। इक्वालिटी समानता, अब ये इक्वालिटी कुल कैटेगरी इक्वालिटी की बात की जाए तो रेगुलर 3 पार्ट इरेगुलर 4 पार्ट आता है। पहला पार्ट इक्वालिटी का कहा जाता है सीपी सीपी इक्वालिटी। ये सीपी सीपी इक्वालिटी है ये कि कभी कह देता है कि दो वस्तु है और उसका खरीद मूल्य आपस में बराबर है। दूसरा है आपका एसपी एसपी इक्वालिटी, SP1 = SP2। कभी कहता है कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। तीसरा इक्वालिटी है सीपी एसपी, एक का खरीद और दूसरे का बिक्री बराबर। इसी में कहे कि दो कैटेगरी है, पहला कह सकते हैं कि एक का खरीद और दूसरे का बिक्री बराबर, और दूसरा कह सकते हैं कि यही दे देता कि पहले का बिक्री और दूसरे का खरीद आपस में बराबर है। यही 4 रेगुलर इक्वालिटी पढ़ना है, जहां से कि पर्याप्त मात्रा में वनडे क्वेश्चन और हर एग्जाम में वनडे में इसकी जरूरत बनी रहती है। ढेरों ट्रिक रख के रखते हैं, सीपीसीपी इक्वालिटी का अलग ट्रिक, एसपीएसपी इक्वालिटी का अलग, सीपीएसपी का अलग, एसपीसीपी का अलग, एसपीएसपी में भी ढेरों कैटेगरी है उसका अलग अलग, कि दोनों स्थिति में सेम प्रॉफिट लॉस हो तो उसका अलग, अलग अलग प्रॉफिट लॉस हो तो उसका अलग। तो बेहतर है सिर्फ और सिर्फ अरेंज करते चलिए, अरेंजमेंट पता होना चाहिए, बस इतना काफी है इक्वालिटी की कहानी। तो बारी बारी से एक एक इक्वालिटी को उठाते चलते हैं और उस पर चर्चा करते चलते हैं। तो पहला शुरुआत कर रहे हैं कैटेगरी, वो आपका है सीपी सीपी इक्वालिटी, CP1 = CP2। इसका मतलब कहे कि कह रहा है कि जब दो वस्तु का खरीद मूल्य आपस में बराबर हो। जैसे क्वेश्चन आपको कह दिया दो वस्तु का
सीपी खरीद मूल्य इक्वल है, समान है, दो वस्तु का खरीद मूल्य समान है। पहले पर 20% लाभ होता है और दूसरे पर 10% हानि होती है। दूसरे पर 10% हानि होती है। पूरे सौदे में क्या होगा ये निकालना है। तो इसका दायरा यहीं तक नहीं सीमित है कि बस सिर्फ रट लिए कि लाभ होगा हानि होगा, प्रतिशत लाभ हानि पूछ देगा। जो मर्जी हो पूछ सकता है, जितना मर्जी हो डिजाइन किया जा सकता है। बस सिर्फ और सिर्फ सजाना जान के रखिए। इक्वलिटी, पहला कहा 20% प्रॉफिट, 20% लाभ, 20% लाभ पर बेचा मतलब 120%, 120% मतलब 6/5। अब दोनों का फर्स्ट ऑब्जेक्ट का रिलेशन लिख देते हैं कि पहला 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ मतलब बेचा 100% का वस्तु, इसको बेचा है 120% में। रेशियो कहते तो 20 से दोनों कट रहा है, तो ये 5:6। दूसरा है, इसको कहा कि 10% हानि पर बेचा, तो लागत मतलब 100%, 10% घाटा पर बेचा तो बेचा कितना में, तो 90%। रेशियो लिखिए तो 10:9। अब कहा क्या है कि दो वस्तु का सीपी इक्वल है, जबकि यहां से देखें तो यहां सीपी 10 है और यहां पहले का सीपी 5 है, दोनों को इक्वल करते हैं। तो 2, 5 और 10 का कॉमन पार्ट मतलब एलसीएम और एलसीएम हो जाएगा 10, तो 10 पूरा कीजिए, इसको 2 से और इसको 1 से गुना कर दिए। अब आप लिख सकते हैं दिस इक्वल टू 2 से गुना, तो ये हो गया 10, ये हो गया आपका 12, 1 से गुना तो ये रहा 10 और ये 9। अब देखिए तो दोनों का सीपी आपका बराबर कर लिए, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, मतलब पहला 10 में खरीदा 12 में बेचा, दूसरा 10 में खरीदा तो 9 में बेचा। पहला सवाल आपका बनता है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस बतलाइए, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो तो लॉस। अब जरा देखिए, कुल मिला के खरीदा कितना में, तो 10, 10, 20 में, बेचा कितना में, तो 12 और 9, 21 में। तो 20 रुपया का खरीदा हुआ वस्तु 21 रुपया में बेच रहा है, तो उसको क्या लाभ होगा, तो लाभ हुआ 1 का। परसेंटेज प्रॉफिट लिखते तो 1/CP तो 20 × 100, 20 से कटा 5 बार, तो पूरे सौदे में उसे 5% का लाभ होगा। यहां से अब लॉस हटा देते हैं, सिर्फ प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट परसेंट हो गया आपका 5% का। हालांकि प्रॉफिट परसेंट सीपी सीपी क्वालिटी में निकालने का दूसरा भी तरीका है, कहानी वो भी करते चलते हैं, जिनको जो बेहतर लगे उसका यूज कीजिए। क्योंकि यहाँ पर रेशियो इसलिए सजाते हैं कि जब क्वेश्चन के साथ प्रयोग शुरू करता है तो वहां पर वो बीच वाला जो रटा रटाया पार्ट होता है वो काम नहीं देता है। अब देखिए एक दूसरे तरीका से प्रतिशत लाभ हानि की चर्चा कर रहे हैं। सीपी सीपी क्वालिटी में सिर्फ और सिर्फ एक जगह, जबकि ये रेशियो सजाएंगे तो जितना कैटेगरी है सबके लिए रेशियो का ही चर्चा करते चलेंगे कि एक रेशियो बैलेंस्ड करने आ गया तो पूरा इक्वालिटी का कहानी समाप्त हो चुका होगा। ढेर कैटेगरी ऐसा हो तो ऐसा, वैसा हो तो वैसा, ये करने की नौबत नहीं आएगी। अब दूसरे तरीका से अगर इसको बनाते तो देखे, एक जगह 20% प्रॉफिट और दूसरे जगह 10% लॉस, बैलेंस्ड कर लीजिए। 20 प्रॉफिट तो प्लस में, 10 लॉस तो ये हो गया माइनस में, और दो वस्तु है तो बैलेंस्ड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 वस्तु रहता तो बैलेंस्ड करके 3 से डिवाइड कर देते। 20 में 10 घटा 10, 10/2 तो 5 पॉजिटिव में आया, मतलब हो गया प्रॉफिट,
यही अगर निगेटिव में चला जाता तो इसको पढ़ते लॉस। तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सीपीसीपी इक्वालिटी के लिए ऐसे भी निकाला जा सकता है। और दूसरा बैलेंस्ड करके, बैलेंस्ड इसलिए कर रहे हैं कि जो बेहतर लगे उसका यूज करते चले जाइए, लेकिन बैलेंस्ड करके भी अरेंजमेंट लेके बढ़ा जा सकता है। तो बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारा सवाल का जगह होता है, जैसे अभी पहला सिर्फ प्रतिशत लाभ हानि की चर्चा की है और दो तरीका से चर्चा की है। ये वाला अभी ज्यादा आसान लगता होगा क्योंकि प्रतिशत लाभ हानि निकालने में इसमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पर से जोड़ते जाना है। 20 लाभ 10 हानि तो 20 प्लस 10 माइनस तो 10, दो वस्तु है तो 2 से भाग, 10 में 2 से भाग तो 5% लाभ हो गया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन जब डिजाइन करता है क्वेश्चन तब ये वाला फेज कहीं ना कहीं उलझा भी देता है। तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के लिए इसको रख सकते हैं, रेशियो से ज्यादा तेज गति से ये आपको मदद करेगा क्वेश्चन बनाने में। यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम का दौर है, जोड़ घटाओ आराम से वहीं पर किए स्क्रीन पर से जोड़ घटाओ तो आराम से कर सकते हैं। 20 जोड़ा 10 घटा तो 10, 2 से भाग तो 5, ये 3 वस्तु रहता। मान लिया जाए कहता है एक पे 50 प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 10 लॉस हुआ, तीसरे पे 10% लॉस ही हुआ, पूरे सौदे में क्या होगा? तो बैलेंस्ड किए 50 लाभ 10 हानि, 10 हानि तो 20 घटा तो बचा 30, 3 वस्तु है तो 30 में 3 से भाग तो पूरे सौदे में 10% का प्रॉफिट होगा। सीपीसीपी क्वालिटी का परसेंटेज प्रॉफिट खत्म है। लेकिन जब यहीं पर डिजाइन करना शुरू करता है, जैसे कि कह दिया पहले का खरीद और दूसरे के बिक्री का योगफल 1900 रुपया है, तो यहां पर आके अब उलझन शुरू हो जाती है। लेकिन जब रेशियो बैलेंस्ड कर लेते हैं तो गौर से देखिए, पहले का खरीद कितना रखे हैं 10, और दूसरा का बिक्री कितना है 9, तो 10 और 9 मिलके कितना 19, 19 भाग अगर 1900 कहा तो एक भाग 100, अब एक भाग निकल गया तो जो मर्जी हो पूछता रहे कि पहला कितना में खरीदा तो 10 गुना 100 1000, दूसरा कितना में तो 10 गुना 100 1000 में खरीदा, पहला बेचा कितना में तो 12 गुना 100 तो 1200 में, दूसरा बेचा कितना में तो 9 गुना 100 900 में, पूछ दिया कि कुल मिला के खरीदा कितना तो 10 10 20 भाग बराबर तो 1 भाग 100 है तो 20 भाग 2000, कुल मिला के बेचा कितना में तो 21 में, मतलब हुआ कि 2100 में बेचा, 100 है 1 भाग तो 21 भाग 2100, लाभ कितना हुआ 2000 में खरीदा 2100 में बेचा तो 100 रुपया लाभ हुआ। तो ये तब बेहतर हो जाता है जब क्वेश्चन के साथ डिजाइन करना शुरू कर देता है कि इसका बिक्री इसके खरीद का योगफल दे दिया, अंतर दे दिया, यहाँ सब चेहरा सामने है, इसका बिक्री या इसके खरीद का अंतर दे दिया, तो बिक्री इसका 12 खरीद इसका 10 तो अंतर कितना 2, अब 2 भाग इतना तो कोई भी पूछता रहे। तो ये रेशियो बैलेंस्ड करके कुछ भी डेटा पूछे और प्रतिशत के लिए तो रेशियो बैलेंस्ड करके भी निकाल सकते हैं और उससे भी ज्यादा तेज गति से निकल जाएगा कि क्वेश्चन पर से ही जोड़ घटाओ करके निकलते चले जाइए कि 20 लाभ 10 हानि तो 20 में 10 घटा 10, 2 वस्तु है तो 2 से भाग तो 5, पॉजिटिव में है तो लाभ और निगेटिव में है तो हानि। तो ये पहला है सीपीसीपी इक्वलिटी। अब बढ़ते हैं एसपीएसपी इक्वलिटी की तरफ। एसपीएसपी इक्वलिटी सेकेंड फेज। एसपीएसपी इक्वलिटी का मतलब है कि जब क्वेश्चन में ये कह देता है कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, एक पे कुछ प्रतिशत लाभ और दूसरे पे कुछ प्रतिशत हानि होती है। जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं, कह दिया दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, पहले पर 20% लाभ और दूसरे पर 10% हानि होता है। अब फिर यहां भी कहते हैं कि सिर्फ प्रतिशत लाभ हानि तक ही दायरा नहीं है, जहां से मर्जी हो जितना मर्जी हो डिजाइन करके सवाल पूछा जा सकता है। तो अब सजाना बस इतना ही
उसमें था दो वस्तु का क्रय मूल्य समान, इसमें कर दिया है दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान। दोनों दो कहानी है, दोनों को के बनाने का ग्राउंड भी अलग, इसी वजह से डेटा भी सेम ले लिए हैं। एक पे 20% लाभ है, दूसरे पे 10% हानि। अब जो मर्जी हो वो लाभ हानि दिया जा सकता है। अब देखिए फिर वही कहानी शुरुआत करते हैं। पहला को कहा 20 लाभ पे, मतलब 100 का वस्तु है, तो इसको बेचा कितना में? 120 में। रेशियो लेते तो 5:6, मतलब 5 का 20 से कटेगा 5 बार में, अब 20 से कटा 6 बार में, तो ये 5:6। दूसरे के बारे में कहा कि ये 10% पहला 20 लाभ पे और दूसरा 10 हानि पे। 10 हानि का मतलब हुआ 100 का वस्तु और 10 घाटा पर बेचा तो 90 में। रेशियो अगर सजाते हैं तो ये कहलाएगा 10:9। उसमें कहा कि दोनों का खरीद समान है, तो खरीद शुरू में लिख रहे थे तो उसको बराबर कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि दोनों का बिक्री मूल्य समान है, तो यहाँ बिक्री मूल्य कितना है? 6 है, और यहाँ कितना है? तो 9 है। इसको बराबर करना है, तो अब इसको बैलेंस्ड करने के लिए तो 9 और 6 का कॉमन पार्ट मतलब एलसीएम, एलसीएम 9, 6 का एलसीएम 18, तो इसको 18 पूरा करने के लिए 3 से, और इसको 18 पूरा करने के लिए 2 से गुना कर देंगे तो दोनों बैलेंस्ड हो जाएगा। करते हैं 3 से गुना तो ये 15 और ये हो गया 18, दूसरा 2 से गुना करते तो 20 और 18। इसका मतलब ये हुआ कि पहला 15 में खरीदा तो 18 में बेचा, दूसरा 20 में खरीदा तो उसको बेचा 18 में। अब पहला सवाल तो आपका परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से ही हो सकता है कि परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। जरा सा देखिए, कुल मिला के खरीदा कितना में? तो पहला 15, दूसरा 20, तो कुल मिला के खरीदा गया 35 में। बेचा कितना? तो ये 18, ये 18, तो कुल मिला के 18 36 में बिका। तो 35 रुपया का खरीदा हुआ वस्तु अब बिक रहा है 36 में, तो लाभ कितना होगा? 1 का परसेंटेज प्रॉफिट, तो 1, अब तो सिर्फ प्रॉफिट होगा, तो 1 बटा में क्रय मूल्य तो 35 गुना 100, 5 से कट जाएगा तो ऊपर 20, नीचे हो गया 7, 2 बार में 14, तो 2.67% का और होगा क्या? तो लाभ। अब यहां तक तो ठीक है कि प्रतिशत लाभ हानि तो एक ट्रिक की व्यवस्था भी हुआ करता है, x+-y+-xy/100 करके निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के लिए ढेरों स्ट्रक्चर, जैसे इसका खरीद दे दिया, इसका बिक्री पूछ दिया, रुपया में लाभ हानि पूछ दिया। ये रेशियो का काम ये है कि सब पार्ट आपके सामने है, ये देख लीजिए, ये हर पार्ट आपके पास है। मतलब पहला खरीदा 15 में, दूसरा बेचा 18 में। अब मान लिया जाए, जैसे कह देता पहले का खरीद और दूसरे के बिक्री का अंतर 600 है, तो पहले का खरीद 15, दूसरे का बिक्री 18, दोनों का अंतर, तो अंतर 15-18 का अंतर 3। अब दे दिए 3 भाग, ये कह दिया आपको 600 है, तो 1 भाग बराबर कितना? 200। अब जो मर्जी हो पूछे तो 1 भाग 200, तो पहला कितना में खरीदा? तो 15 भाग मतलब 15 × 200 तो 3000। पहला बेचा कितना में? तो 18 × 2 तो 3600। दूसरा कितना में खरीदा? तो 20 × 200 तो 4000। दूसरा कितना में बेचा? तो 18 × 200 तो 3600। कुल मिला के कितना में खरीदा? तो 35 में, तो 35 × 200 तो 7000। कुल मिला के बेचा कितना में? तो 36 × 200 तो 7200। 7000 में खरीद के 7200 में बेचा, तो रुपया में कितना लाभ? तो 200। तो जो मर्जी हो, ये तो एक एग्जाम्पल कहे, जब सब डेटा सामने है तो किसी दो को जोड़ के कभी किसी दो को घटा के डेटा दे सकता है, और कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसको इक्वलिटी को बैलेंस्ड करना, यही है आपका SP इक्वलिटी सेकेंड पार्ट। अब शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पार्ट इक्वलिटी का। तो शुरुआत करते हैं इक्वलिटी का थर्ड पार्ट।
फर्स्ट पार्ट आपका था सीपीसीपी इक्वलिटी, सेकंड एसपीएसपी इक्वलिटी, थर्ड पार्ट आपका है सीपीएसपी इक्वलिटी। कभी एक का खरीद और दूसरे का बिक्री, ये दोनों मूल्य आपस में बराबर हो रहा हो। एक जगह था दोनों का खरीद मूल्य बराबर, एक जगह था दोनों का बिक्री मूल्य बराबर। अब कह रहे हैं पहले का खरीद और दूसरे का बिक्री मूल्य आपस में बराबर है। डेटा इसमें भी वही चुन लेते हैं, सिर्फ चेहरा बदलते चलते हैं। जैसे क्वेश्चन लिख दिया, दो वस्तु में पहले का सीपी और दूसरे का एसपी इक्वल है। पहले का सीपी दूसरे का एसपी इक्वल है। अब कहा पहले पर 20% प्रॉफिट होता है और दूसरे पर 20% या 10 ही रहने देते हैं, यहां भी 10% लॉस होता है। पहले पर 20% लाभ होता है और दूसरे पर 10% हानि होती है। फिर एक तो कॉमन सवाल है हर जगह कि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस बतलाइए, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ अन्य सवाल भी, मतलब इक्वलिटी उठा रहे हैं तो हर इक्वलिटी में हर पार्ट। फिर वही कहानी, एक बार और रिपीट करते हैं। पहला था तो खरीद है, 100 में खरीदा तो 20% लाभ पर बेचा, मतलब 120 में बेचा, रेशियो तो 5:6। दूसरा को कहा 10% घाटा पर, मतलब 100 का वस्तु है 10 घाटा तो 90 में बेचा, रेशियो निकालते तो 10:9। एक में कहा था कि दोनों का सीपी बराबर है तो इसको बराबर कर लिए, एक में कहा दोनों का एसपी बराबर है तो इसको बराबर कर लिए। अब कह रहा है पहले का सीपी, तो पहले का सीपी ये है और दूसरे का एसपी तो ये है, ये दोनों कहा कि आपस में बराबर है, कर देते हैं बराबर। अब दोनों का एलसीएम 45, 5 है तो 9 से और 9 है तो 5 से गुना, गुना करते हैं तो ये 45 हुआ, 9 × 6 = 54 हो गया, यहाँ 5 से गुना तो 50 और ये हो गया 45। अब तो आपका बैलेंस्ड हो गया कि पहले का खरीद और दूसरे का बिक्री आपस में बराबर है। अब जरा देखिए, तो पहला कुल मिला के खरीदा 95 में, कुल मिला के बेचा 99 में। फर्स्ट क्वेश्चन तो वही कि परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। अगर परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस पूछा तो 95 का वस्तु 99 में बेचा तो क्या होगा, लाभ होगा, तो 4 प्रॉफिट हुआ, 4 डिवाइडेड बाय सीपी तो 95 × 100, 5 से कटेगा ये 20, 80/19, 4 बार में हो गया 76, बचा 4 तो 4/19% हुआ क्या, तो प्रॉफिट। एक तो हो गया परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। अब साथ ही साथ कहे कि मे भी डेटा से सवाल पूछे कि किसी एक का खरीद दे दिया, लाभहानि ही पूछ दिया। मान लिया जाए, कह दिया कि पहला खरीदा है आपका या पहले का खरीद और दूसरे का बिक्री और पहले के खरीद का अंतर 400, दूसरे का बिक्री 54, पहले का खरीद 50, दोनों का डिफर 54 − 54। अब 4 पार्ट अगर 400 कहा तो एक पार्ट कितना होगा, 100, 4 पार्ट बराबर हो गया आपका 400, तो एक पार्ट कितना होगा तो 100। अब जो मर्जी हो पूछता रहे, अगर पूछ दिया रुपया में लाभ हानि बतलाइए, तो देखिए 95 में खरीदा 99 में बेचा तो लाभ कितने का हुआ, तो 4, 1/100 तो 4/400। पूछ दिया कि पहला कितना में खरीदा तो ये 45 है, 45,
एक भाग 100 तो 45 भाग 4500, दूसरा कितना में बेचा तो दूसरा बेचा कितना तो 45, तो 45 भाग 4500। तो जो मर्जी हो यहां से सवाल पूछा जा सकता है। तो ये था आपका एक का खरीद और दूसरे का बिक्री बराबर। इसी को एडिट कर देते हैं थोड़ा और चौथा पार्ट कहते हैं। इसी तीन का ये ए था और अगला कर देते हैं बी। इसी डेटा यही रहने देते हैं और क्वेश्चन कर देते हैं कि कह दिया दूसरे का खरीद, अब पहले का बिक्री समान। तो देखिए इसी क्वेश्चन पर एडिट थोड़ा सा कर लेते हैं। यहां कर दिया आपको पहले का खरीद के जगह पर दूसरे का सीपी, और यहां कर दिया पहले का एसपी इक्वल है। फिर वही डेटा रहने देते हैं कि पहले पे 20% लाभ और दूसरे पे 10% हानि। सब में एक ही डेटा उठाते इसलिए चल रहे हैं कि ये पता चलते रहे कि चारों चार कहानी है। दोनों सीपी बराबर तो अलग कहानी, दोनों एसपी बराबर तो अलग कहानी, एक का सीपी दूसरे का एसपी अलग कहानी। अब पहले का सीपी दूसरे का एसपी अलग और दूसरे का सीपी पहले का एसपी अलग कहानी, तो सब अलग अलग पार्ट है। कहानी फिर वही लेते हैं। पहला कहा है 20 लाभ पर बेचा तो 100 वाला बेचा 120 में, रेशियो 5:6। दूसरा 10 हानि पर बेचा तो 100 वाला बेचा 90 में, रेशियो हुआ 10:9। अब कहा है क्या दूसरे का सीपी, तो दूसरे का सीपी यहाँ है, पहले का एसपी इक्वल है तो पहले का एसपी ये है। इस दोनों को कह दिया कि आपस में बराबर है, इस दोनों को बराबर करते हैं तो 10 और 6 का एलसीएम 30, इसको 5 से गुना करेंगे और इसको 3 से गुना करते हैं तो ये 25 हुआ, ये 30 हुआ, 3 से गुना होगा तो ये 30 हुआ, ये 27 हुआ। अब पता चला पहले का एसपी दूसरे का सीपी आपस में बराबर है। अब फिर वही सवाल, अगर प्रतिशत लाभ हानि पूछा तो टोटल खरीदा कितना में, 55 में, टोटल बेचा कितना में तो 57 में। तो एक सवाल तो अस्थाई फिक्स है, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। तो 55 का वस्तु 57 में बेचा तो लाभ हुआ कितने का, 2 का, डिवाइडेड बाई 55 इंटू 100, सीपी हो गया 55। 5 से कटेगा 20 तो 20 का डबल 40/11, 3.7/11% का उसको लाभ होगा। तो यही कहानी है। फिर यहाँ भी वो सारा सवाल हो सकता है कि दे देता दूसरा 2700 में बेचा तो 27 भाग 2700 तो 1 भाग 100 लाभ कितना हुआ। तो 55 में खरीद के 57 में बेचा तो लाभ कितना, 2 भाग 1 भाग 100 तो 2 भाग = 200 करते चले जाना। ये था आपका प्रॉफिट लॉस का एक पार्ट विशेष, वो था आपका इक्वलिटी समानता। तो अब जो भी आपके पास साधन उपलब्ध हो ट्रैक बदल लीजिए और प्रैक्टिस कुछ कुछ अपने अपने साधन से करने का प्रयास कीजिए। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट फेज की तरफ। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके और एडिट किया जा सकता है, जैसे कि अभी ये लिखाते चल रहे हैं आपको 20% प्रॉफिट। ये जो रेशियो लिख रहे हैं कि 100 का वस्तु और 20 लाभ पे तो 120 में, रेशियो 5:6, इसके जगह थोड़ा सा अगर बदलते तो गति थोड़ा और तेज हो सकता था। जैसे 20% है फ्रैक्शन में तो प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, तो 20% मतलब हुआ 20/100 तो 1/5। अब देखिए तो ऐसे इसी को सजाइए, ये जो रेशियो ये सजा रहे हैं उसके जगह पर कि ऐसे देखिए कि 5 रुपया का वस्तु है, 1 लाभ लेके बेच रहा है तो कितना में बेचेगा, तो 6 में, 5 का वस्तु 1 लाभ पे तो 5 वाला 1 लाभ तो 6 में। यही कह दिया 10% हानि था, 10% मतलब 1/10,
अब 10 का वस्तु एक घाटा पर बेच रहा है, तो 10 का वस्तु एक घाटा, तो 10 का वस्तु एक घाटा तो 9 पर बेच रहा है, तो डायरेक्ट भी रेशियो सजाया जा सकता है। या जिनको थोड़ी भी भिन्न में परेशानी हो तो उनके लिए अस्थाई विकल्प यूज करते चले कि 100 का वस्तु 10 घाटा तो 90, तो रेशियो 10:9 ट्राई कीजिए, इसका यूज करना शुरू कर दीजिए, तो थोड़ा सा और गति फास्ट हो जाएगा। क्योंकि वनडे में जरूरी नहीं है कि 10% या 20% रखे, कभी ऐसा भी दे सकता है कि 16:2/3%। तो यहाँ पर जो ऐसे सजाएंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होगा, तो उसके जगह थोड़ा थोड़ा करके आदत बदलिए। तो भिन्न में बदलते तो 48:2/50/3 है, प्रतिशत सिंबल का मतलब बटा 100, 50 से कटा तो 1/6। अब 1/6 का मतलब 6 का वस्तु है, एक अगर प्रॉफिट कहा तो प्रॉफिट के कंडीशन में 6 का वस्तु है, एक लाभ पे तो 7 में, अगर लॉस कहा तो 6 वाला वस्तु है, एक लॉस पे तो कितना में, तो 5 में, ऐसा लिख के बढ़ा जा सकता है। तो ये जो रेशियो लिख रहे हैं उसको दूसरे तरीका से यूं भी रेशियो सजाया जा सकता है। तो ये था आपका इक्वलिटी। अब प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट कैटेगरी का शुरुआत करते हैं। कल यही ख्वाब हकीकत में बदल जाएंगे, आज जो ख्वाब फकत ख्वाब नजर आते हैं। तो मित्रों शुरुआत कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट टॉपिक, पहला इक्वलिटी और सेकेंड पार्ट शुरुआत कर रहे हैं ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट। ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट ये वो सेक्शन है जहां पर वस्तु की संख्या से रिलेटेड कोई भी सवाल हो। अब वस्तु की संख्या से रिलेटेड ढेर टाइप का प्रॉफिट लॉस में सवाल मिलता है। जैसे कहते हैं कि वस्तु की संख्या में कि 20 वस्तु का खरीद मूल्य 25 का बिक्री मूल्य समान है, तो वस्तु की संख्या से सवाल है। कभी कह दिया 10 रुपया में 11 की दर से वस्तु खरीदा, 11 में 12 की दर से बेच दिया, प्रतिशत लाभानी बतलाइए, तो वस्तु की संख्या से सवाल है। कभी कह दिया कि 1 रुपया में 20 की दर से नींबू बेचने पर 10% घाटा होता है, 20% लाभ के लिए कितना बेचे। तो ये सारा का सारा फेज जो है ये ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट का हिस्सा है। तो ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट में कैसे कैसे डिजाइन होता है, कितने कैटेगरी में क्वेश्चन होता है, बारी बारी से एक एक कैटेगरी को बांटते चलते हैं और उसके सॉल्यूशन की तरफ भी बढ़ते चलते हैं। पहला कैटेगरी शुरुआत कर रहे हैं ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट में, एग्जाम्पल से ही शुरुआत करते चलते हैं। एक लाइन चर्चा करते हैं, परसेंटेज में भी इसका यूज है। रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी का, मूल्य मात्रा का उल्टा रेशियो होता है। यही से शुरुआत कर रहे हैं फेज का। जैसे कह देता है फर्स्ट कैटेगरी में कि कहा कि आपको 1 रुपया में 20 की दर से नींबू बेचने पर 10% हानि होता है। 1 रुपया में 20 की दर से नींबू बेचने पर 10% हानि होता है। अब कह दिया 1 रुपया में कितना नींबू बेचे ताकि उसे 20% लाभ हो, ऐसा कुछ। 1 रुपया में 20 की दर से बेचने पर 10% घाटा हुआ, 1 में कितना बेचे कि 20% लाभ हो। अब जरा देखते चलिए, रेट की चर्चा कर रहे हैं कि पहले जो है 10% हानि पर बेचा, कहे 10% घाटा पर बेचा, मतलब 90%।
दस कम में। अगली बार कह रहा है कितना बेचे कि 20% लाभ हो, तो 20% लाभ मतलब 120% रेशियो। रेट का उल्टा होता है क्वांटिटी का रेशियो। अब यहां अगर अनुपात लिखते रेशियो, 30 से कटेगा 3 बार, ये कटा 4 बार, तो रेट का रेशियो 3:4, तो क्वांटिटी का रेशियो कहे उल्टा 4:3 होगा। अब जरा देखिए, तो कह रहा 10% घाटा तो शुरू में हुआ, तो खरीद रहा था 4, जिसकी संख्या दे दिया है कितना 20, तो अगर 4/20 वस्तु है, तो 4/20 वस्तु, तो 1/5 वस्तु, तो 3/15 कितना, तो 15 वस्तु, तो यही है 20% लाभ पर कितना वस्तु बेचे, तो 15 वस्तु। देखिए कभी बेसिक क्वेश्चन, कहीं 2 स्टेप, कहीं सिंगल स्टेप, कह दिया 1 रुपया में 50 की दर से वस्तु बेचने पर 20% हानि होता है। एक रुपया में कितना वस्तु खरीदा गया था, कहे बस इतना देखिए कि बेचा तो 20% क्या हुआ, हानि होता है। रेट की बात की जाए तो रियल रेट 100% अगर है, तो 20% घाटा पर बेचा मतलब 80%। क्वांटिटी का रेशियो अगर कहते तो 20 से कटा 5, 4, तो क्वांटिटी का रेशियो 4:5। अब देखते हैं, कह रहा है कि 50 की दर से बेचा है तब 20% घाटा हुआ है, तो 20% घाटा पर कितना बेच रहा है, 5। अब 5 वस्तु बराबर कितना संख्या दिया है, तो 5 भाग अगर 50 है, तो 1 भाग आपका 10, तो खरीदा कितना, तो 4 भाग, तो 4 भाग बराबर कितना, 40। ये आपका खरीद मूल्य हो गया कि एक में कितना खरीदे, तो 40। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा एक में ही पूछा जाए, हो सकता है कभी पूछ दिया 6 रुपया में कितना, जब आपके पास ये अवेलेबल है कि 1 रुपया में 40, तो 2 रुपया में पूछता तो 80, 3 रुपया में तो 40 × 3 = 120, तो आगे कुछ भी पूछे निकाला जा सकता है। तो ये है ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट का पहला पार्ट कि 1 रुपया में कुछ खरीदा, या एक ही नहीं कुछ रुपया में कुछ खरीदा, और बेचा तो 10% घाटा हुआ, कभी कुछ प्रतिशत लाभ हुआ, कितना बेचे कि कितना प्रतिशत लाभ हो, हानि हो, तो ये रेट का उल्टा क्वांटिटी का रेशियो, ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट का पहला पार्ट। तो ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट का नेक्स्ट पार्ट, पहला पार्ट कहे कुछ में कुछ है, बेचा कुछ प्रतिशत घाटा हुआ, कितना बेचे कि कुछ प्रतिशत लाभ हो, हानि हो, ऐसा निकालना, तो रेट का उल्टा क्वांटिटी का रेशियो। दूसरा है कुछ का खरीद मूल्य, कुछ वस्तु का विक्री मूल्य बराबर कह देता है। जैसे क्वेश्चन कह दिया कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्री मूल्य के समान है, 20 का खरीद और 25 वस्तु का विक्री मूल्य आपस में बराबर है, तब प्रतिशत लाभ हानि निकालना। ऐसा कहते हैं कि 20 वस्तु का खरीद, मान लीजिए ₹X में अगर वस्तु, हर वस्तु खरीदा होगा, तो 20 का खरीद कितना, 20x। ₹Y में अगर वस्तु बेचा होगा, तो 25 का विक्री मूल्य कितना, 25y, और कहा दोनों बराबर है, तो आप भी लिख दीजिए बराबर। अब जरा रेशियो निकालिए, x बटा y बराबर 25/20, 5 से कट जाएगा तो 5/4। इसका मतलब x कहे हैं खरीद को, y कहे हैं बिक्री को,
तो पांच का खरीदा हुआ, अब बेच रहा है कितना में, चार में, तो पांच वाला चार में बेच रहा है, तो क्या होगा, 1 रुपया घाटा। अब परसेंटेज लॉस, 1/5 × 100 तो कितना हुआ, तो 20%। कह दिया आपको 50 वस्तु का क्रय मूल्य, चालीस वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है, प्रतिशत लाभ हानि बतलाइए। तो 50 का क्रय मूल्य, तो मान लिया 1 रुपये खरीदा तो 50x, 40 का विक्रय मूल्य तो 40y, और दोनों बराबर है तो लिख दिए बराबर। अब जरा निकालते हैं x/y, x/y, तो 40/50 मतलब 4/5, मतलब कि खरीदा x खरीदा तो 4 में, अब बेचा है तो 5 में, तो 4 का वस्तु अगर 5 रुपया में बेचेगा तो क्या होगा लाभ, अब प्रतिशत प्रॉफिट तो लाभ हुआ 1/5 खरीद मूल्य तो 4 × 100, 4 से कटेगा तो 25% उसको प्रॉफिट होगा। तो ये है, कुछ का खरीदा कुछ का बिक्री आपस में बराबर है, तो वस्तु की संख्या से रिलेटेड ये आपका दूसरा पार्ट था। हो सकता है एग्जाम में यहीं तक दायरा नहीं रखे, ऐसे सबका ट्रिक भी सजा होता है, x-y/y × 100 करके आराम से डील कर रहे होते, लेकिन जब प्रयोग करना शुरू करता है, जैसे मान लीजिए यही है, ये पता चला 4 वाला 5 में खरीदा, अब कह दिया कि खरीद मूल्य जो है 2 गुना होता, तो यहाँ पर सब कुछ दिखेगा, ट्रिक बस वहीं पर जाके फुल स्टॉप। अगर 2 गुना में खरीदा होता तो 4 वाला 2 गुना में खरीदता तो कितना में, 8 में, 3 गुना में बेचा होता तो 5 वाला कितना में बेचा होता, 15 में। अब प्रतिशत लाभ हानि पूछ दिया, तो थोड़ा सा अगर प्रयोग कर दिया तो रेशियो वो विकल्प है कि आगे भी प्रयोग करता है तो सब कुछ चेहरा सामने होता है, तो 2 गुना में खरीदा होता तो 4 वाला 8 में खरीदा होता, 3 गुना में बेचा होता तो 5 वाला 15 में बेचा होता। अब प्रतिशत लाभ कहता तो देखिए 8 वाला 15 में बेचा तो लाभ हुआ 7 का, खरीद हुआ 8 × 100 कर लिए, आराम से डील होता चला, तो थोड़ा आगे पीछे भी करना शुरू कर देता है क्वेश्चन, तो शायद वहां पर कहीं भी फेज आपका जवाब नहीं देगा, और वन डे इस कदर अब पर्याप्त प्रयोग कर रहा है, इसलिए बेहतर हो वो जो रटा रटाया दौर था उस दौर को छोड़िए और अरेंजमेंट बदलने का, स्ट्रक्चर बदलते चलने का प्रयास कीजिए। तो अब ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट में तीसरा कैटेगरी शुरू कर रहे हैं। तीसरे में कहता है ए वस्तु बेचने पर, मतलब कुछ वस्तु बेचने पर कुछ वस्तु के खरीद मूल्य या बिक्री मूल्य के समान लाभ या हानि होता है। बस इसके लिए इतना ध्यान रखिए, जिसके समान लाभ या हानि का चर्चा हो उसे 1 रुपया की दर से मान लें। जिसके समान लाभ या हानि का चर्चा हो उसको 1 रुपया की दर से मान लें। यहां इस कैटेगरी में कुल 4 टाइप के क्वेश्चन से मुलाकात होगी। कभी कहता है ये वस्तु बेचने पर बी वस्तु के क्रय मूल्य के समान लाभ, कभी बी वस्तु के क्रय मूल्य के समान हानि, कभी भी वस्तु के विक्रय मूल्य के समान लाभ, तो कभी भी वस्तु के विक्रय मूल्य के समान हानि होता है। बारी बारी से हर कैटेगरी से एक एक क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे कह दिया 50 वस्तु बेचने पर 10 वस्तु के क्रय मूल्य के समान
लाभ होता है। कभी कह दिया 20 वस्तु बेचने पर 10 वस्तु के, पांच ही लिखते हैं, 5 वस्तु के क्रय मूल्य के समान हानि होता है। कभी कह दिया 100 वस्तु बेचने पर 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान लाभ होता है। कभी कह दिया 200 वस्तु बेचने पर 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान हानि होता है। अब बारी बारी से शुरुआत करते चलते हैं। जैसे कहा, कभी लिखा है कि कभी कहता है क्रय मूल्य के समान लाभ होता है, कभी कहा क्रय मूल्य के समान हानि, कभी विक्रय मूल्य के समान लाभ, कभी विक्रय मूल्य के समान हानि। बस इतना कहे कि जिसके समान लाभ या हानि होता हो उसको 1 रुपये की दर से मान लीजिए। अब पहला में कहा है कि क्रय मूल्य के समान लाभ होता है, तो जब क्रय मूल्य के समान लाभ होता है तो मान लिए 1-1 रुपया में वस्तु खरीदा होगा, तो 50 वस्तु खरीदा कितना में होगा, 50 में। और 10 के क्रय मूल्य के समान लाभ हुआ तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ, तो 10। अब देखिए हो गया, कहानी खत्म है। लाभ 10 का, खरीद 50 का, तो अब अगर परसेंटेज प्रॉफिट की बारी आए तो क्या लिखते, 10/50 लाभ 10 का बटा खरीद 50 गुना 100 काट दिए तो 20% का लाभ हुआ। कह दिया 20 वस्तु बेचने पर 5 के क्रय मूल्य के समान हानि। बस ये देखिए लाभ हानि किसके समान, खरीद के समान। तो मान लिए 1-1 रुपया में अगर खरीदा होगा तो 20 वस्तु खरीदा कितना में होगा, तो 20 में। लॉस कितने का हुआ, तो लॉस हुआ 5 के विक्रय के बराबर, तो 5 का। अब परसेंटेज लॉस लिखना है तो परसेंटेज लॉस बराबर लॉस हुआ 5, खरीद है 20 गुना 100, तो 20 से कटा 5, तो 25% का लॉस होगा। करा 100 में बेचने पर 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान लाभ। बस इतना कहे कि जिसके समान लाभ या हानि कह रहा हो उसको 1 रुपये की दर से मान लीजिए। तो अभी किसके समान कह रहा है, विक्रय मूल्य के समान लाभ, तो मान लिए 1 रुपये वस्तु बेचा होगा, तो 100 वस्तु बिका कितना में होगा, तो 100 में। लाभ कितने का हुआ, तो 20 का। अब देखिए तो 100 में बेचा, लाभ 20 का हुआ, इसका मतलब खरीदा कितना में होगा, 80 में। अब परसेंटेज प्रॉफिट, तो लाभ हुआ 20, खरीद है 80 अगुना 100, तो 20/80, 4/4 से कटा 25, तो 25% लाभ होगा। कहा 200 में बेचने पर 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान हानि, तो लाभ या हानि किसके समान कह रहा है, विक्रय मूल्य के समान। तो मान लिए 1 रुपये वस्तु अगर बेचा होगा, 1 रुपये बेचा होगा तो 200 वस्तु बिका होगा 200 में। हानि कितने का हुआ, तो लॉस हुआ 50 का। अब खरीदा कितना में होगा, तो 200 में बेचा, अब 50 घाटा हुआ, तब कितना में खरीदा होगा, 250 में। कुछ यहाँ भी
50 घटा के 150 लिख देते हैं, तो उसका ख्याल रखिएगा, 200 में बेचा तब 50 रुपया घाटा हुआ, तो 50 घाटा हुआ इसका मतलब 50 ज्यादा में खरीदा होगा तो 250, अब परसेंटेज लॉस, तो लॉस है आपका कितना 50, सीपी है 250 इंटू 100, 50 से 5 बार में, 5 से कटा तो 20, तो टोटल क्या लॉस हुआ तो 20%। ये था आपका ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट टाइप 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट के कैटेगरी में, ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट भी जैसे इक्वलिटी में 4 था, तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट में भी टोटल 4 कैटेगरी। तो नेक्स्ट चौथा कैटेगरी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट का चौथा पार्ट, इसमें है कि ढेर कैटेगरी क्रिएट हो सकता है, सिर्फ अरेंजमेंट ध्यान रखिए, कुछ में कुछ खरीदा और कुछ में कुछ बेचता चला गया, उसको अरेंज करना है। सीधा क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जैसे कह दिया पहले वन डे का फेवरेट क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, बहुत बार का प्रीवियस रह चुका है, कि कह दिया 10 रुपया में 11 की दर से वस्तु खरीद कर 11 रुपया में 10 की दर से बेचने पर प्रतिशत लाभ या हानि बतलाइए क्या होगा। कुछ में कुछ की दर से खरीदा और कुछ में कुछ की दर से बेच रहा है, और तब प्रतिशत लाभ हानि निकालिए। दो विकल्प चर्चा करते हैं, पहला विकल्प रेशियो, दूसरा भी रेशियो से ही चर्चा करेंगे। 10 में 11 खरीदा मतलब प्रति वस्तु, तो 10 रुपया लगाया, 11 वस्तु खरीदा, तो एक का खरीद मूल्य कितना 10/11। बेचने की जब बारी आती है, 11 में 10 की दर से बेचा तो 11 रुपया लगाया, टोटल वस्तु 10 बेचा तो एक का विक्रय मूल्य कितना, तो 11/10। क्रॉस करा लीजिए, क्रॉस इसको इससे, तो 10 × 10 हो गया आपका 100 में खरीदा, 11 × 11 121 में बेचा। तो अब बस वही कहानी करनी है कि 100 का वस्तु 121 में बेचा, तो परसेंटेज प्रॉफिट हुआ 21, कॉस्ट प्राइस है 100, प्रतिशत तो इंटू 100, तो टोटल कितना, तो 21% लाभ। लेकिन इसी के दूसरे कैटेगरी में चर्चा करते हैं, तो कहते हैं एक तो सीधा रेशियो सजा लिए और प्रतिशत लाभ हानि लिख दिए, दूसरा कहते हैं बैलेंस्ड करके बनाना। एक है सीपी, एक है आपका एसपी। खरीदने की बारी आती है तो कह रहे 10 में 11 की दर से खरीदा, एक साइड रुपया लिखिए, एक साइड संख्या। अब 10 रुपया में 11 खरीदा, बेचा कैसे, तो 11 रुपया में 10 की दर से बेचा। हमेशा कहते हैं बैलेंस्ड करने में कि संख्या को बैलेंस्ड कीजिए। अच्छा देखिए, यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, ऐसा करते हैं इसको 10 से गुना और इसको 11 से गुना, ये भी 110, ये भी 110 हो गया। अब अगर जब संख्या 10 गुना करेंगे तो यहाँ धन भी 10 गुना लगेगा, यहाँ संख्या 11 गुना करेंगे तो ये भी 11 गुना लगेगा, ये हो गया बैलेंस्ड करना। अब टोटल देखिए तो कुल मिला के खरीदा कितना में, तो 100 रुपया में, बेचा कितना में, तो 121 रुपया में। अब लाभ प्रतिशत की जरूरत हुई, तो पहला तो सवाल आपका हो गया परसेंटेज प्रॉफिट, तो लाभ हुआ 21 का, खरीद कितना तो 100 गुना 100 बराबर 21%। ये बैलेंस्ड करके भी बना सकते हैं। तो जब ये खुद आसान था, अब फिर भी कहे कि बैलेंस्ड करके भी बना सकते हैं, ये इस वजह से कहे, यहाँ पर बहुत सारा सवाल क्रिएट होता है। अब मान लिया जाए, कह देता इसको कुल मिला के 63 रुपया का लाभ हुआ, तो उसने कितना वस्तु का खरीद बिक्री किया। तो ये वो फेज है जहां सब कुछ सामने दिख रहा होगा,
अब जरा देखिए, 100 में खरीदा, 121 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ? 21 का प्रॉफिट हुआ। अब जब 21 का प्रॉफिट हुआ तो उस समय खरीद बिक्री कितने वस्तु का है? 110 का। अब 21 प्रॉफिट होगा तो खरीद बिक्री कितना? 110। अब पूछ दिया 63 प्रॉफिट, तो तीन गुना प्रॉफिट पूछ रहा है, तो तीन गुना वस्तु भी, तो वस्तु कितना? तो 330। तो वस्तु की संख्या से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो प्रतिशत ही सिर्फ पूछे तब तो बढ़िया रहेगा कि जितना देर में बैलेंस करेंगे उससे सस्ता हमेशा रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकलते चले जाइए। लेकिन और भी सवाल जब पूछना शुरू करता है, जैसे हो सकता है कभी आपको यही पूछ दे कि उसने 220 वस्तु का खरीद बिक्री किया तो कितने रुपया का लाभ हानि हुआ? यहाँ से देखिए, 110 का खरीद बिक्री कर रहा है तो 21 लाभ, तो 220 का खरीद बिक्री करेगा तो डबल, तो 21 का डबल 42 रुपया लाभ हुआ। तो सब कुछ सामने होगा। ये है आपका ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट टाइप 4। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। शुरुआत अगला पार्ट कर रहे हैं बेमानी, डिजोनेस्टी, बेमानी। एक पार्ट अमूमन बोल दिया करते हैं हमेशा कि हम बेमानी बड़ा ईमानदारी से पढ़ाते हैं, इकलौता धंधा है बेमानी जहां कभी हानि नहीं होता। तो शुरुआत कर रहे हैं डिजोनेस्टी, बेमानी। कहा जाता है कि प्रॉफिट लॉस का बड़ा उलझा हुआ सेक्शन है बेमानी, तो थोड़ा सा उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे बेमानी को। दो तीन लाइन सिर्फ अरेंज करते चलिए। तीन रेगुलर फेज को पहले समेटते हैं। कहता है एक दुकानदार है, वस्तु बेचते समय 20% कम तौलता है। वस्तु बेचते समय 20% कम तौलता है, मतलब अगर 1 किलो है तो उसका 20% 200 ग्राम कम तौलता है। अब कभी यही लिख देता है कि 200 ग्राम कम तौलता है, कभी भिन्न में लिख देगा 1/5 भाग कम तौलता है। 1 किलो 1000 ग्राम और उसका 1/5, तो 200 ग्राम कम तौलता है। अब बेचने का उसकी मर्जी, उसका सामान जैसे इरादा करे बेचे, तो वो बेचने का अपना अलग अलग कंडीशन रख सकता है। जैसे कहते हैं कि कंडीशन रख दिया कि वो कहता है कि हम क्रय मूल्य पर बेचेंगे, कहता है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कभी हो सकता है कि कह देता है कि कुछ लाभ पर बेचने का दावा किया, कि क्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। कभी कह दिया कि क्रय मूल्य पर 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो कोई दुकानदार है 1 किलो के जगह 20% कम तौलता है, मतलब 800 ग्राम तौल के देता है। अब बेचने की जब बारी आती है तो कभी दावा करता है कि हम क्रय मूल्य पर बेचेंगे, कभी दावा करता है कि नहीं हम 20% लाभ पर बेचेंगे, कभी दावा करता है कि हम 10% घाटा पर बेचेंगे। तो बेचने का वो अलग अलग दावा कर सकता है। तो अब उसका लाभ हानि का प्रतिशत बतलाइए। पहले ही कहे कि बेईमानी में हानि की संभावना नहीं रहती, और अगर हानि हो जाए तो फिर बेईमान को बेईमान नहीं कहना चाहिए, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो शुरुआत करते हैं बारी बारी से एक एक फेज। पहला पार्ट हो या दूसरा पार्ट हो या आपका तीसरा पार्ट हो, कोई भी हो, सबसे पहले बस इतना देखिए कि वो ग्राहक को क्या दे रहा है।
तो ग्राहक को तौल के कितना दे रहा है, तो ग्राहक को तौल के दे कितना रहा है, तो 20% कम, मतलब 800 ग्राम तौल के दे रहा है। अब कहते हैं अगर एक एक रुपया ग्राम पीछे लागत लगा होगा तो 800 ग्राम में पूंजी कितना फंसा होगा, 800 रुपया, 1 रुपया ग्राम के हिसाब से तौल के उसको दिया 800 ग्राम, तो पूंजी कितना फंसा, 800 रुपया पूंजी फंसा। अब वो बेचा कैसे है, तो जब बेचने की बारी आएगी तो बेचा कैसे है, तो पहला प्रश्न में कहा कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो जब क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है तो उसने ग्राहक को दिया कह के क्या कि 1 किलो दे रहे, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, और उसको कह रहा है 1 ही रुपये के रेट से लेंगे, तो जब 1 किलो का पैसा 1 रुपये के रेट से लेगा तो कितना लेगा, 1000 ग्राम, और 1 रुपये ग्राम, तो 1000 रुपया उससे लिया। अब हो गया, कहानी खत्म है, 800 में खरीदा हुआ सामान अब बेच लिया कितना में, 1000 में। परसेंटेज प्रॉफिट लिखना होता तो लाभ कितना हुआ, 200, खरीदा कितना में तो 800 में, तो 200/800 गुना 100, 25% का लाभ हुआ, कहानी खत्म। फिर कहते हैं सेकेंड में आते हैं, कहे हमेशा तौल के दिया कितना, 800 ग्राम, तो 1 रुपये पूंजी फंसा, तो पूंजी कितना फंसा, 800। अब जब बेचने की बारी आती है, पहला में कहा क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया है, तो जब खरीद पर बेचने का दावा किया तो 1 रुपये ग्राम से 1000 रुपया ले रहा है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं, ये दावा कर रहा है 20% लाभ लेंगे, ऐसे लेता तब 1000 रुपया, तब कह के ले रहा है हम 20% ज्यादा लेंगे, तो 1000 से 20% ज्यादा तो 200 ज्यादा, तो कितना में बेचेगा, 1200 में। अब 800 का सामान अब बेच दिया उसने 1200 में, फिर प्रतिशत लाभ निकालना, तो लाभ कितना हुआ, 400 बटा में क्रय मूल्य 800 गुना 100, तो इसको लाभ कितना हुआ, तो 50%, कहानी खत्म है। देखिए बेचने का दावा अब कर रहा है 10% हानि पर तीसरे में, पहले तो यही देखिए कि तौल के दिया कितना, तो 800 ग्राम, मतलब पूंजी फंसा 1 रुपये ग्राम से 800 रुपया। अब बेचने की बारी आई तो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा था, तब ले रहा था 1000, अभी वो दावा कर रहा है कि हम 10% घाटा सहेंगे, तो 1000 से 10% घाटा भी सहेगा, तो 10% कम लिया, तो कितना लिया, 900, मतलब तब भी 800 का सामान अब बेच लिया 900 में, तो प्रतिशत लाभ, परसेंटेज प्रॉफिट, तो लाभ हुआ 100, खरीद है 800 गुना 100, 25/2 तो 12.5%, 12.12% लाभ होगा। बस इतना कहे देखिए कि तौल के दिया कितना, अगर कह दिया कि 20% कम मतलब 800 दिया, कह देता 10% कम तौल के दिया तो 900 ग्राम दिया, तो जो तौल के दिया हमेशा वो हो गया लागत। अब बेचने की बारी आई तो अगर क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया तो लिया 1000, 20% लाभ ले रहा है कह रहा हो तो 1200, 10% घाटा, तो 1000 में 10% घाटा मतलब 900, यही सजाते जाना। तो 3 कहानी खत्म है, 2 छोटे छोटे और भाषा का प्रयोग करेंगे बेमानी में, तो बढ़ते हैं अगले फिर। अब 2 पार्ट और एक ट्रिक पढ़ते होंगे कि एक्स खरीदते समय एक्स प्रतिशत बेमानी करता है, बेचते समय वाई प्रतिशत, तो कुल लाभ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो कहानी उसी की करते हैं, लेकिन 2 पार्ट है, अब के एग्जाम में दूसरे को भी फोकस करना शुरू कर दिया है, तो कहाँ वो काम होगा कहाँ नहीं होगा उसका भी ख्याल रखना होगा। तो दोनों एक साथ क्वेश्चन लिख रहे हैं और दोनों में सिर्फ फर्क देखिए, कह रहा है एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% और बेचते समय
10% बेईमानी करता है, 10% लाभ बतलाइए क्या होगा। तो ये जब कह रहा है कि खरीदते समय 20% और बेचते समय 10% बेईमानी करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपया लेके जाता है कहीं खुद खरीदने, तो 20% ज्यादा उससे खरीद लेता है। तो 20% ज्यादा मतलब 120/100, 20% अधिक मतलब 120%, प्रतिशत मतलब 100%। जब बेचने की बारी आती है तो वहां भी 10% बेईमानी करता है, तो 100 वाला सामान 120 में अब खरीद लिया, 100 लेके गया, 120 का सामान खरीद लिया। अब जब बेचेगा तो उसको 10% बढ़ा के बेचेगा, तो 10% बढ़ा के बेचा मतलब 110/100 में बेचा। अब सॉल्व कर लीजिए, 2, 3, 4 0 कैंसिल, 12 × 11 120, 12 132। तो 100 रुपया पूंजी लगाया, 132 रुपया में उसको बेचा, तो 100 वाला सामान 132 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ 32। लागत है 100 × 100, तो इसी को 32%। इसी के लिए ट्रिक लिखा जाता है कि x प्रतिशत खरीदने में, अब बेचने में y, तो x प्लस y प्लस x y बाय 100, तो एक बार 20 प्लस 10 प्लस 20 × 10 100/200/100, तो 2 20 10 30 2 32%। ये ट्रिक से बना। तो ये तब का सिचुएशन है जब कहता है खरीदते समय 20% और बेचते समय 10% बेईमानी करता है, का मतलब ये हुआ कि 100 रुपया लेके गया तो 120 का सामान खरीद लाया और उसको 10% बढ़ा के बेच दिया। सेम डेटा लेके भाषा बदल रहे हैं और अब के डेट में इसका पर्याप्त यूज भी हो रहा है। वहां भी देखते हैं बहुत सारा लड़का x प्लस y प्लस x y बाय 100 करके आ जाता है, हिंदी समझता नहीं है, रटा हुआ है और पूरा का पूरा फेज मेंटेन करके आ जाता है। तो क्वेश्चन फिर लिख रहे, अब कहता है कोई दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% अधिक तौल लेता है, और बेचते समय 10% कम तौलता है, तब परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, ये निकालना। मात्र थोड़ा का फर्क है, ये भी एक नजर में लगता है खरीदते समय 20% अधिक तौल लिया मतलब 20% बेईमानी किया है, तो ये भी बेईमानी, पर ये बेईमानी रुपया पैसा का बेईमानी ना हो करके ये बेईमानी नाप तौल का बेईमानी है। और नाप तौल का बेईमानी अलग अरेंजमेंट चलता है, करे 20% अधिक तौल लेता है, तो ये नाप तौल का बेईमानी है। तो यहाँ पर कभी भी वो x प्लस वाई या प्लस एक्स वाई बाई 100 नहीं कीजिएगा, यहाँ पर अब अरेंजमेंट की चर्चा कर रहे हैं। तब देखिए 1 रुपये ग्राम का वस्तु अगर होगा तो 1 किलो का दाम लगता होगा 1000। अब 20% ज्यादा खरीद लिया मतलब उसने खरीद लिया 1000 रुपया दे के, खरीद लिया कितना 1200 ग्राम, 20% ज्यादा तोल लिया। तब खरीदने की बारी अगर आती है तो 1000 रुपया में 1200 ग्राम खरीदा, तो प्रति ग्राम खरीदा कैसे, तो 1000/1200। अब बेचने की बारी जब आती है तो कहता है कि 10% कम तौलता है, 10% कम तौलने का मतलब हुआ कि 1000 रुपया लेता है तो उसको तौल के देता कितना है, तो 900 ग्राम ही तौल के देता है। तो अब 1000 रुपया में उसको तौल के दिया कितना, तो 900 ग्राम, मतलब बिक्री हुआ प्रति ग्राम कैसे, तो 1000 रुपया 900 ग्राम, तो प्रति ग्राम बिक्री। ये रेशियो निकालिए, तो ये 1000 1000 कैंसिल, 00 कैंसिल, 3 से कटेगा 4 और 3 से 3 क्रॉस करा दीजिए, तो इधर 3 इधर 4,
मतलब 3 रुपया का वस्तु अब बेच रहा है 4 में, अब लाभ कितने का, तो 1 / 3 × 100 तो 33.1/3%। दोनों दो कहानी है। ये कह दिया कि सिर्फ 20% खरीदते समय बेईमानी, बेचते समय 10% बेईमानी, तब ये बेईमानी का मतलब हुआ रुपया पैसा का बेईमानी। और नीचे जब लिख रहे हैं कि अधिक तौल लेता है कम तौल देता है, तो ये बेईमानी है नाप तौल का बेईमानी। तो दोनों में एक ही ट्रिक का यूज नहीं करना शुरू कर दीजिएगा, दोनों कहानी अलग अलग ट्रैक का है। तो यही है बेईमानी का 5 अलग अलग ग्राउंड। तो यहीं पर बेईमानी को रोकते हैं, फिर आगे बढ़ते चलेंगे क्रम को। तो प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिक के बाद चर्चा किए इक्वालिटी, ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट वस्तु की संख्या का चारों कैटेगरी, बेईमानी कैटेगरी अभी ढेर है, लेकिन पहले कुछ फिक्स कैटेगरी उसकी चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद फिर अदर कैटेगरी की चर्चा करते चलेंगे। कुछ एलिगेशन बेस्ड पार्ट होगा, कुछ सिचुएशन विशेष पार्ट होगा, कुछ इक्वेशन बेस्ड पार्ट होगा, तो कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। तो उसमें से कुछ फिक्स कैटेगरी की चर्चा अभी कर रहे हैं। फिक्स कैटेगरी में कुछ वो कैटेगरी लिख रहे हैं जो कभी कभार वनडे में मुलाकात होती रहती है। पहली बार मुलाकात होती है तो लगता है पता नहीं ये कहां से क्वेश्चन पूछ दिया, कुछ क्वेश्चन का तो चैप्टर डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कहां से पूछा। कुछ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन होता है, एक बार मुलाकात हो चुकी होती है तो लगता है अच्छा ये था बड़ा आसान क्वेश्चन था, तो कुछ ऐसे लिखते चलते हैं। जैसे पहला पार्ट चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन में से कि कभी कभार होता ये है कि लाभ हानि कैलकुलेशन जो होता है वो हमेशा किस पे होता है, प्रतिशत लाभ निकालना होता है तो लाभ गुना 100 / क्रय मूल्य करते हैं, प्रतिशत हानि भी निकालना होता है तो लाभ गुना 100 / विक्रय मूल्य करते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ही स्पेशली पूछ दिया है कि नहीं कोई गलती से विक्रय मूल्य पर निकाल लिया तो आप उसको सुधार के बतलाइए कि क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा, कितना प्रतिशत हानि होगा। जैसे कहते हैं ऐसे यूं क्वेश्चन कुछ प्रीवियस लिख दिया था कि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान होगा, कितने प्रतिशत लाभ के समान होगा, ऐसा कुछ दे दिया। अब देखिए, बस ये देखिए, होता हमेशा क्रय मूल्य पर है, लेकिन कोई गलती से विक्रय मूल्य पर अगर कैलकुलेट कर लिया तो अब आपसे कह रहा है कि उसको क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करके बतलाइए। तो दिया किस पर है, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ। तो जिस पे उसने दिया, मान लीजिए वो 100 का है, तो विक्रय मूल्य को मान लिए 100 रुपया है, तो किसी ने निकाला होगा तो इस पर 20% लाभ, तो 100 का 20% मतलब प्रॉफिट उसने निकाला होगा कितना, 20। अब जरा देखिए कि खरीद क्या रहा होगा, 100 में बेचा है, 20 लाभ है, तो खरीदा कितना में होगा, 80 में। अब आपको निकालने को दे दिया कि क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ, अब परसेंटेज प्रॉफिट लिखना है, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, तो सीपी आपका हो गया 80 × 100, 20 से कटा 4, 4 से कटेगा 25, मतलब विक्रय मूल्य पर 20%, तो जब क्रय मूल्य पर निकालेंगे तो उसी को कहा जाएगा 25%। कभी ऐसा करता है कि यही दे दिया कि क्रय मूल्य पर 20% लाभ, विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान होगा। हाँ, लाभ ही नहीं, कभी हानि भी हो सकता है, लाभ के समान होगा। बस इतना देखिए कि लाभ हानि का प्रतिशत किस पर दिया हुआ है, ये जो दिया वो दिया है क्रय मूल्य पर, और निकालने कहा कि विक्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य पर दिया तो मान लिए कि खरीदा 100 में, इस पर 20% लाभ है तो लाभ हो गया 20 का। अब अगर बेचने की बारी आती तो बिकेगा 100 में खरीद के, 20 में बेचा तो 120। अब आपको क्वेश्चन कहा है
कि विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ निकाल के बतलाइए, तब लिखिए परसेंटेज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 20। अब क्रय मूल्य पर ना निकाल के निकालना है किस पर, विक्रय मूल्य पर, तो बटा में 120 गुना 100, 20 से 6, 2 से 50 बटा 3, मतलब 16.2/3%। ये हो गया आपका क्रय मूल्य पर दिया तो विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ, अब विक्रय मूल्य पर दिया तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ। तो ये एक खास कैटेगरी है। फिर बढ़ते हैं आगे बारी बारी से। जैसे दूसरा फिक्स कैटेगरी आपका है, कह देता है वस्तु 200 से 300 तक डैश दे के ऐसे लिख देता, इतना रुपया में खरीदा। अब फिर कह देता है 400 से 600 तक में बेचा, लाभ बतलाइए क्या होगा। तो पहली बार मुलाकात होती है तो ये क्या दे दिया, यहां से यहां तक खरीदा, मतलब ये होता है प्रॉफिट की बात की जाए तो लाभ की बारी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 200 रुपया कम से कम खरीदा होगा, ज्यादा से ज्यादा तो 300 में खरीदा, बेचा तो कम से कम 400 में बेचा, ज्यादा से ज्यादा 600 में बेचा, अब उसका लाभ। अब देखिए एक मिनिमम प्रॉफिट, कम से कम लाभ कब होगा, जब मिनिमम प्रॉफिट तो महंगा से महंगा खरीदेगा, तो महंगा से महंगा खरीदेगा कितना में, 300 में, और सस्ता से सस्ता बेच देगा तो बेचेगा कितना में, 400 में। तो 300 में खरीद के और 400 में अगर बेचेगा तो लाभ कितना होगा, 100। अब मैक्सिमम प्रॉफिट की बात की जाए तो ये तब होगा जब सस्ता से सस्ता खरीद कर और उसको महंगा से महंगा बेचेगा। तो सस्ता से सस्ता खरीदा जाएगा तो 200 में, अब महंगा से महंगा बेचा जाएगा तो 600 में। तो 200 का वस्तु और 600 में बेचेगा तो लाभ कितना होगा, 400। तो कभी लाभ का रेंज कहता है तो कहलाएगा 100 से 400, कभी कहता है मिनिमम प्रॉफिट तो ये हो गया 100, कभी कहता है मैक्सिमम प्रॉफिट तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया 400। यही है रेंज बेस्ड प्रॉफिट लॉस। बढ़ते हैं फिर अगले फेज की तरफ, एक और कैटेगरी उठाते हैं। अब कभी कह देता है यूं कि विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 5 गुना हो जाता है, आपको बताना है परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। मतलब विक्रय मूल्य कुछ था उसको जब डबल कर रहा होता है तो लाभ प्रॉफिट जो है वो 5 times मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 गुना हो जाता है लाभ आपका। अब जरा देखते हैं, ऐसा करते हैं, कहते हैं कि कुछ भी खरीदा होगा x रुपया में और बेचा होगा y रुपया में, तो फर्स्ट सिचुएशन में प्रॉफिट क्या रहा होगा, y अब माइनस एक्स। अब कह रहा है विक्रय मूल्य को डबल कर दे, तो विक्रय मूल्य डबल करेगा मतलब 2y में बेचेगा, खरीद तो वही था तो लाभ खरीद को घटाए तो अभी का लाभ कहलाया, और कह रहा लाभ 5 गुना हो जाता है मतलब पिछला लाभ जो था उसका 5 गुना ये लाभ है, तो पिछले लाभ का अब 5 गुना जो है वो वर्तमान लाभ है। लिख दिए, साइड चेंज कराइए, इधर 5y, ये 2y घटता तो 3y बराबर ये 5x, इधर प्लस में हो जाता तो 4x, एक्स बटा वाई बराबर 3/4। मतलब 3 का खरीदा हुआ वस्तु अब बेच रहा है 4 में, अब परसेंटेज प्रॉफिट लिखिए तो लाभ कितने का, तो 1 का, खरीद है 3 गुना 100, 1/3 गुना 100 तो 33.1/3% का लाभ होगा। तो ऐसे ही फेज बाय फेज फिर फुर्सत होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के और फेज की तरफ चर्चा करेंगे। अभी बेसिक चर्चा कर लिए, ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट चर्चा कर लिए, इक्वलिटी चर्चा कर लिए,
बेमानी और कुछ फिक्स कैटेगरी की चर्चा की है। अभी बहुत सारी कहानी बची हुई है प्रॉफिट एंड लॉस में, वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, इस वजह से इसको यहीं पर रोकेंगे, फिर आगे की चर्चा अगले वीडियो में करते चलेंगे, तो बढ़ेंगे सीरीज वाइज। दिलजीज प्रतियोगी प्रतिभागियों, आप हमारे यूट्यूब चैनल यूथ्स विजन मैथ्स को शेयर लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन बटन भी दबा